अस्सलामु अलैकुम आप सबको, और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो देखिए शाम का टाइम हो गया, तो अभी आज मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ, बिरयानी। तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, तो देखिए आप मेरी बिरयानी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली हूँ, और क्या क्या डालना है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो देखते रहिए कंटिन्यू मेरा वीडियो, और बीच में कट बिल्कुल भी मत करना, मेरी पूरी रेसिपी ज़रूर देखना। बिरयानी बनाने की तैयारी हो गई, तो यहाँ पर 1 किलो चिकन मैंने अच्छी तरीके से धोकर इसको रखी हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं पीस के ही रखती, लेकिन वो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, तो यहाँ पर मैंने फ्रेश एकदम ताज़ा मिक्सर में ग्राइंड करके रख दी हूँ। और यहाँ पर बटाटा, तो देखिए पहले शुरू क्या डालना है मसाले में। तो यहाँ पर प्याज भी कटिंग कर रख दी, काट कर अच्छे से पतली पतली, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा चाहिए बिरयानी में, और अच्छी तरीके से लाल होना चाहिए प्याज। तो मैं पहले भी बिरयानी की रेसिपी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत घाई घाई में, तो रेसिपी शायद आप लोगों के इतने समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं इधर अच्छी तरीके से आपको बताती हूँ। ये मतलब मैं जैसा बनाती हूँ ऐसी। पहले शुरू नमक, सब मसाला इसमें ही डालकर इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रखना पड़ता। और यहाँ पर एयरवेल्स का लाल मसाला, मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने थोड़ा ज़्यादा ली थी, तो यहाँ पर 1 चम्मच और आधा चम्मच मैंने डाली हूँ 1 किलो चिकन में। और यहाँ पर फूड कलर डालना है, ऑरेंज वाला जो फूड कलर होता, तो वो भी मैं डालकर इसके अंदर। तो यहाँ पर फूड कलर भी डाल दी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसको इसके अंदर डालना है। दही, दही भी डालकर इसको मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट रखना है। तो इसको अभी आप देखिए मैंने पतीली रख दी हूँ, और तेल डालकर तेल अच्छे से गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म होने के लिए तेल रखी थी, क्योंकि प्याज एकदम अच्छे से फ्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्याज कटिंग करी थी उसमें डाल के, क्योंकि प्याज को बहुत ज़्यादा टाइम लगता फ्राई होने के लिए। तो धनिया पाउडर डालना मैं भूल गई थी इसके अंदर, तो ऐसे धनिया पाउडर और दही, जब तक मैं बोली थी ना प्याज लाल हो जाती जब तक इसको मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। अगर 2-3 घंटा पहले भी अपन लोग मसाला लगाकर इस पर रखते तो अच्छे से मैरिनेट हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसके वास्ते। मैं अभी लगाकर जब तक प्याज फ्राई हो जाती जब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, तो जब तक होने देते हैं प्याज को फ्राई। तो यहाँ पर मैंने प्याज, यहाँ पर मैंने देखिए बड़े बड़े 8 टमाटर ली हूँ, टमाटर भी ज़्यादा ही चाहिए रहता है इसलिए 8 ली, और इसको अभी 7 से 8 टमाटर तो चाहिए ही, और ये बड़े हैं इसलिए इतने ही बस हो गए। तो इसको भी इस तरह से बारीक बारीक काट कर, तो प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई। और अभी इसके अंदर डालना है जो देखिए हरी मिर्ची जो चीर कर मैंने रखी थी, ये तो फिक्की रहती, थोड़ी तेज़ अगर चाहिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 7 या 8 ही हरी मिर्ची भी ली, और टमाटर, तो हरी मिर्ची डालना है इसके अंदर पहले शुरू। थोड़ा हरी मिर्ची को फ्राई होने देते हैं, और बटाटा जो काट कर रखी थी ये भी प्याज में फ्राई होने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम बटाटे को भी होने अच्छे से देते हैं फ्राई। तो
तो यहाँ पर मैंने चावल के लिए, चावल जो बिरयानी के लिए उबालना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर एक टोप रखी हूँ। तो पहले शुरू तेल डालकर मैं चावल को बघार लेती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, शाहजीरा और लौंग, काली मिर्च और एक चक्री फूल। तो पहले चावल को बघार लेते हैं जब तक यहाँ पर बटाटा अच्छी तरीके से प्याज में फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ये खड़ा मसाला ली थी, तो ये बघारने के लिए चावल, इसके अंदर डाल दी, क्योंकि एक तरफ मसाला रेडी होएगा तो एक तरफ चावल भी बनना ज़रूरी है, क्योंकि दम देने के लिए चावल। तो यहाँ पर मसाला, तो इसके अंदर पानी आया, 1 किलो ही चिकन और 1 किलो ही चावल ली हूँ मैंने। तो 1 किलो चावल के लिए 1 जग पानी बहुत है। बासमती चावल में थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए, ताकि नमक डालना है जोश आने के लिए। चावल पानी पहले जोश आने देते, तो यहाँ पर ढक्कन ढाप कर जब तक जोश नहीं आता पानी को। मसाले में भी 2 से 3 तेज पत्ता डालना है और टमाटर जो काट कर रखी थी ये भी, इसको भी थोड़ा पकने देते अच्छे से। बिरयानी तो हर किसी की फेवरेट है, इसके अंदर सबके अलग अलग तरीके हैं बिरयानी बनाने के। मैं भी 2-3 टाइप से बनाती अलग अलग। तो कुछ लोग मसाला पीस कर भी, कांदा टमाटर को भी पीस कर भी बनाते, लेकिन मैं वैसे नहीं बनाई। तो यहाँ पर तो चिकन भी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। अब चिकन को भी इसके अंदर डालकर सब मसाला अच्छी तरीके से, देखिए इस तरह से इसको भी अच्छे से मिक्स कर कर पूरा मसाला हो गया रेडी। नमक अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि मैं तो हर रेसिपी पे खाने के इसमें मैं बताती हूँ कि नमक कम ही डालना चाहिए। कोई भी मेरी रेसिपी रहने दो, नमक मैं बहुत कम डालती। ऊपर से डालेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले शुरू नमक मैं ज़्यादा नहीं डालती। तो अभी इसके अंदर थोड़ा नमक डालना है, तो देखिए नमक थोड़ा सी मैं डाल दी हूँ, क्योंकि पहले शुरू मैंने नमक डाली हूँ, इसलिए नमक से तो बहुत ज़्यादा डर लगता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स होने देते, और बिरयानी पाउडर अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मेरे पास है, इसलिए मैं थोड़ा सी बिरयानी का जो मसाला है, चिकन बिरयानी, इससे बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। तो हर जो गरम मसाले की दुकान रहती वहाँ पर मिलता बिरयानी मसाला, तो इसमें से आधा ही मैं डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मसाले का पैकेट बड़ा है, इसके अंदर 2 टाइम बिरयानी आराम से बनेगी। तो मैंने आधा मसाला इसके अंदर डाल दी हूँ, और अब हो गया पूरा मसाला रेडी। अभी बस अपने को चावल का इंतज़ार है कि चावल पक जाए, और फिर इसको थर जो लगाना है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं है, तो 2 थर में हो जाएगा। तो अब इसको पकने देते फास्ट आंच पर। तो यहाँ पर पानी को भी आ गया जोश, तो अंदर इतना पुदीना मैंने ली हूँ और कोथमीर, तो धोकर अच्छे से अब इसको बस बारीक बारीक काट कर इस तरह से बारीक बारीक काट कर ये भी डालना है ऊपर से मसाले में। ये डाल दी इसके अंदर, पुदीना डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। तो इस तरह से मैं भूल गई थी, लेकिन बाद में मेरे को याद आया पुदीना डालना तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर
हो गया मसाला रेडी। तो देखिए मसाला तो वाकई में बहुत टेस्टी दिख रहा है ना। एक्चुअली मैं आज आने वाले हैं मेहमान घर पर, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो मैं बोली सबसे इजी और सबसे अच्छी डिश बिरयानी है, तो मैं बोली क्यों ना बिरयानी बना देते आज। तो देखिए चावल बासमती 1 किलो ही ली हूँ मैंने चावल, 1 किलो चिकन में, और अभी बस इसको धोकर अच्छे से, तो पानी को अच्छे तरीके से जोश आ गया था, बस इसके अंदर चावल को पकने देना है। मसाला रेडी हो गया और रेस्टोरेंट जैसा जो शादियों में बिरयानी खाते हैं वैसा टेस्ट आने के लिए यहाँ पर कोयला, यहाँ चूल्हे पे ही मैं गरम कर रही हूँ कोयला। तो देखिए ये अच्छे तरीके से हो गया और इसको रखेंगे एक कटोरी में, इसके ऊपर डालना है तो इसमें 1 चम्मच बताए दो कर रखते ताकि इसका जो कोयले का खुशबू है वो बाहर ना निकले, तो यहाँ पर सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे इसकी खुशबू। मसाला देखिए अच्छी तरीके से पक गया, तो मैंने यहाँ पर मसाले को 2 हिस्से में करी, आधा इसमें ही रखी और आधा यहाँ पर निकाल के रखी, और एक तरफ चावल भी दम हो चुके तो चावल आधे इसके अंदर डालना है। तो चावल अच्छी तरीके से दम हो गए, अब इसके अंदर डालकर थोड़े टाइम दम होने देते हैं, ऐसा पकड़ो। तो इस तरह से चावल मसाला डालकर और एक थर लगाना है, तो यहाँ पर फूड कलर डालना था खाली और अच्छे से दम होने के लिए, तो यहाँ पर ऑरेंज वाला कलर मैंने डाली और एक येलो कलर डालना है, येलो कलर